हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इज एम ऑडिबल एंड विजिबल? फटाफट बता दे एक बार, बहुत दिनों के बाद हमारी आपसे मुलाकात हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, पूरे 15 दिन के गैप से मैं आया हूँ। हाँ, अब मैं आया हूँ तो जल्दी जाऊँगा भी नहीं। बिल्कुल, आपको पूरे महीने में यहाँ पे लॉ को लेके रगड़ूंगा, मतलब लॉ की पढ़ाई करवाऊंगा जी। बिल्कुल, एक बार सभी लोग मैसेज कर दे, कमेंट कर दे कि भाई हाँ, आई एम ऑडिबल एंड परफेक्टली विजिबल, तो मैं आगे बढ़ूँ जी। हाँ, फटाफट सभी का मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार बता दे। यस, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में जब तक बता देता हूँ। देखो, आज का जो टॉपिक है वह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। अब ये एक्ट जो आपका है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक एसेंशियल पार्ट है, ठीक है? तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद पार्टनरशिप भी हम करेंगे, उसका भी इंपॉर्टेंस इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट के। तो कुल मिला के जो पार्टनरशिप है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये दोनों को हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद चालू कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज है, अभी आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का नॉलेज मिलेगा जी। हाँ बिल्कुल, शुभम जी, योगेश जी, विपिन जी, अश्विनी जी एंड शिवांगी जी, हाँ सभी का स्वागत है। हाँ चलिए, एक बार स्टार्ट करने से पहले जी, हाँ जब भी एक बार क्लास की स्टार्टिंग होती है तो हमारे देश के नाम से होती है, तो सभी को जय हिंद एंड जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है। हाँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को माल विक्रय अधिनियम 1930 भी कहा जाता है हिंदी में। हाँ, अब आगे की बात करते हैं। इसके अंदर टोटल 7 तो चैप्टर्स हैं, और सेक्शंस की बात करेंगे तो 66 सेक्शंस हैं। देखो, जब भी मैं कोई एक्ट लेके आता हूँ तो सबसे पहले उसके बड़े बड़े चीज़ों को बताता हूँ, तो आपको भी फिट होना चाहिए पूरा एक्ट क्या है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, इसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं और 66 धाराएं हैं, 66 सेक्शंस हैं। अब मेरी बात को सुनिए, सेल का मतलब क्या हो गया है? हाँ, सेल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बेचना, तो सेल का भी मतलब समझेंगे। गुड्स का मतलब क्या होता है, उसका तो बहुत बड़ा अर्थ होता है। आपको बता दूं, गुड्स की डेफिनेशन पूरे जुडिशरी में, गुड्स की डेफिनेशन पूरे के पूरे जुडिशरी में इतनी बार पूछा गया है, और स्टूडेंट्स ने इतनी बार गलत किया है कि पूछो मत। दोनों ही चीजें अपनी को एक्सटेंसिव है, साथ साथ चलती हैं। लेकिन इस क्लास के बाद गुड्स की डेफिनेशन को अगर आपने गलत कर दिया तो चैलेंज रखता हूं, नहीं करोगे गलत, ये मेरा वादा है। हाँ, गलती तो सब जगह होती है, बट जिसने कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया 99% वो आज गुड्स की डेफिनेशन को गलत नहीं करेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपको बता देता हूँ। हाँ, इसके अंदर 7 चैप्टर 66 सेक्शंस हैं, बट क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्री का, कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वह किस पर बेस्ड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर बेस्ड है। तो 99% कहते हैं हाँ हाँ हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर बेस्ड है, बट ऐसा नहीं होता है। जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वह आपका द इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 पर बेस्ड है। अरे भैया, कोई भी कानून है कहाँ से आया है? अंग्रेजों ने हमें ये कानून दिया, लो और इसको यूज करो। तो जो इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स था, इंग्लिश कहाँ था, ब्रिटिशर्स का, वहां से यह आया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। प्री में आने वाला प्रश्न है जी, याद कर लो कहां से आया है द इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स। हाँ, इसके ईयर के बारे में भी देख लो, 1893, फिर बोलेगा 1993, ऐसे कंफ्यूज करेगा 1793, लेकिन आपको याद रखना है 1893, दैट्स इट। चले आगे, फटाफट देखिएगा। हाँ, अब थोड़े से इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। हाँ, सभी का यहाँ पे स्वागत है, सभी को नमस्ते। चलिए एक दमदार क्लास लेके आया हूँ। आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, क्योंकि कोई भी एक्ट ऊपरा ऊपरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आप अपने सेल्फ स्टडी में भी कर सकते हैं। आज मेरी जो क्लास है ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, फिर उसके बाद फटाफट कल और इसको आगे का कंटिन्यू करूंगा, राइट? हाँ, स्वर साह कह रहे हैं सर, आप जो पढ़ा रहे हैं यहाँ से सब ऑथेंटिक है ना, प्लीज डोंट माइंड सर। अरे माइंड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ऑथेंटिक नहीं, एकदम ठप्पा मार लीजिए, एकदम सब कुछ सही है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब बिफोर की बात करते हैं। हाँ, बिफोर की बात करते हैं, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पहले क्या था उसकी बात कर लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट वॉज एम्बेडेड इन, तो बिफोर की बात जब करेंगे तो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएंगे,
कहां पे आएंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो 76 से 123 तक के सेक्शंस थे, क्या कह रहा हूं, भारतीय संविधान अधिनियम के अंदर जो हमारे सेक्शंस 76 से लेके 123 तक थे, वहां से उनको क्या कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है। जैसे ही वहां से उसको रिपील्ड कर दिया गया, उसके बाद द सेड प्रोविजंस हैव बीन सिंस रिपील्ड बाय द सेल ऑफ गुड्स 1930। बिल्कुल, उसको रिपील्ड करने के बाद क्या हुआ, एक नया एक्ट बना जिसका नाम क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बिल्कुल, जिसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, सभी लोग कमेंट कर दे कितने सेक्शंस हैं। हाँ, लिखने से पहले कमेंट करना है। बिल्कुल, 66 क्या थे आपके, सेक्शंस थे। तो कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाया है और डाल दिया गया सेपरेट एक्ट में, और सेपरेट एक्ट के अंदर 66 सेक्शंस है। उस एक्ट का नाम क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये तो इसके बैकग्राउंड की बात हो गई है। हाँ पार्वती जी क्या कर रहे हैं, ठीक है आगे चलिए। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यह एक्ट क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य था। देखिए आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप हो रहा है जी। इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और कॉर्पोरेटाइजेशन, मैं आपको वर्ड यूज कर रहा हूं, कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब प्राइवेटाइजेशन, ये सभी चीजें बहुत हाई लेवल पे चल रही हैं। तो इसको और बढ़ावा देने के लिए सेक्टर को, हमारे पास एक एक्ट आया जिसका नाम दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ताकि बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। चलिए, फॉर द डेवलपमेंट, इसका उद्देश्य क्या है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कंट्री, हमारे देश में ट्रेड और कॉमर्स को डेवलप करने के लिए आया है। अब देखिए सेक्शन वन, हाँ सभी को जय हिंद जी साथियों। चलिए अब कंसंट्रेट करते हैं हमारी स्टडी पे, राइट। हाँ सभी का मैं मैसेज देख पा रहा हूं। हाँ आगे चलते हैं हमारे आज स्टडी पे। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन थ्री की। अब सेक्शन थ्री क्या कहता है, देखो सेक्शन थ्री यह कहता है, वन को पढ़ाया नहीं हूं, टू को पढ़ाया नहीं हूं, पहले थ्री क्यों लेके आया। रीजन, पहले हमने देखा कितने सेक्शंस, कितने चैप्टर्स, फिर हमने देखा ये आया कहां से है रिपील होके, फिर उसके बाद हम देखेंगे इस एक्ट के ऊपर कोई और एक्ट अप्लाई होता है क्या। तो सेक्शन थ्री कहता है, पहले मैं इसको पढ़ा रहा हूं, सेक्शन थ्री ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रोविजंस एज इट इज अप्लाई होंगे किस पे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर। चलिए कह रहा है कि नहीं देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द अनरिपील्ड प्रोविजन, अंडरलाइन करिए, हाँ ऐसे प्रावधान जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अभी भी रिपील्ड नहीं हुए हैं, जीवित हैं, वो सारे के सारे किस पे अप्लाई हो जाएंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। फिर बात करते हैं, अब ये बताइए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे, नहीं जी, ऐसे प्रोविजंस, याद रख लो एक वर्ड, ऐसे प्रोविजंस जो हमारे सेल ऑफ गुड्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, वह प्रोविजन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होंगे। तो कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे, जो प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं और वह सारे के सारे कंसिस्टेंट हैं, मतलब क्या हुआ, संगत है, कंसिस्टेंट है, वही अप्लाई होंगे, और इनकंसिस्टेंट प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो कहने का मतलब सारे के सारे कंसिस्टेंट तो अप्लाई है, इनकंसिस्टेंट को हम छोड़ देंगे जी। हाँ सभी के मैसेज में देख पा रहा हूं जी, हाँ क्योंकि अच्छा करिश्मा जी गुड इवनिंग, हाँ सर अपने चार्ट से, चलिए ठीक है, हाँ चार्ट से ही मैंने स्टार्टिंग करी है, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग राइट टाइम पे हैं, बिल्कुल। हाँ स्वराज जी आपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पूछा है, हाँ मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ। चलिए आगे बढ़े जी, हाँ ओके, हाँ आगे चलते हैं, ओके डन। हाँ अभी यहां तक तो क्लियर हो गया सेक्शन थ्री का मामला, अब बात करते हैं चैप्टर वन की। चलिए हमारे सेक्शन वन की शुरुआत करते हैं। हाँ, सेक्शन वन क्या कहता है, वन टू थ्री, ये दोनों के दोनों मतलब ये तीनों के तीनों सेक्शंस कहां पे आते हैं, प्रीलिमिनरी में। तो कह सकते हैं सेक्शन वन से लेके थ्री तक के प्रोविजंस, क्या कह रहा हूं, वन से लेके तीन तक के प्रोविजन किस में आते हैं, प्रीलिमिनरी प्रारंभिक में आते हैं। अब बात करते हैं वन से थ्री क्या कहता है। पहला, वन तो आपको पता ही है, शॉर्ट टाइटल द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहां पे लागू होता है, जरा बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कहां पे लागू होता है, कौन सा वह देश है, अरे भारत है, टू द होल ऑफ इंडिया। हाँ जी, अब इसका एक्सटेंशन भी पढ़ लिया, अब देखो ये लागू कब हुआ था, किस डेट से, तो 1 जुलाई 1930 को यह लागू हुआ था जी, बिल्कुल 1 जुलाई 1930 को यह लागू हुआ था। अब बात करते हैं सेक्शन टू की। आज मैं देखिए बेयर एक्ट को थोड़ा एक्सपेंड करके आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि बेयर एक्ट ही आपका वह हथियार है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आता है। तो बेयर एक्ट के साथ थोड़े बहुत मेंस के भी पर्सपेक्टिव से चीजों को टच करेंगे जी। ओके आगे बढ़ते हैं।
सेक्शन टू क्या कहता है, डेफिनेशंस की बात करता है। तो सेक्शन टू का क्लॉज वन जो आपका है वह कहता है हु इज बायर, बताइए बायर कौन है। तो बायर मींस अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय, दोनों ऑप्शन याद रख लीजिए, जो खरीदता है या खरीदने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। क्या खरीदने के लिए, गुड्स को। वेरी नाइस। अब देखिए जब गुड्स की बात आई है तो गुड्स को भी हम समझेंगे, कहां पे समझेंगे फटाफट बताएं, किस सेक्शन में गुड्स को डिफाइंड किया गया है जी, सभी बताएंगे किस सेक्शन में गुड्स को डिफाइंड किया गया है। इज एनीवन, कोई बता सकता है, मजा आ जाएगा बता दोगे तो। हाँ जी, हाँ, स्वर साहा जी क्या कह रही हैं, सर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए एग्जाम प्लीज सर, मेंस के प्लीज। हाँ चलिए देखिए, जो मेरा स्पेशल क्लास होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशल क्लास में अदर स्टूडेंट से भी पूछ लीजिए, सारा मैं चीरफाड़ करके बताता हूँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, तो वहाँ पे आप जरूर मेरे से मिलिएगा। जब भी मेरा स्पेशल क्लास होता है मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा जी। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस सोमू जी, हाँ अमिताभ जी वेरी नाइस। सेक्शन टू क्लॉज सेवन में गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है, याद कर लो यह सेक्शन एग्जाम में आता है, लिख के दे रहा हूं डंके की चोट पर। हाँ सिर्फ इसी एक्ट में नहीं आता है, दूसरे दूसरे एक्ट में भी घुस घुस के पूछता है, तो वो रेफर करता है वही डेफिनेशन गुड्स की लेनी है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टू क्लॉज सेवन कहता है। तो आप मेरी बात को समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। तो बायर मींस अ बाय हु बायज और एग्रीज टू बाय। अब देखिए डिलीवरी का मतलब क्या होता है, परिधान कहते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में उसको देखिएगा, सेक्शन टू का क्लॉज टू जो होता है वह क्या कहता है, सेक्शन टू का क्लॉज टू कहता है डिलीवरी। डिलीवरी मींस क्या होता है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन टू अनदर। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन यहां से आता है, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से। हाँ दूसरा ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, याद रख लो एक व्यक्ति ये है देखो हंसमुख, एक व्यक्ति है थोड़ा सा गड़बड़ गुस्सेल, अब ये आदमी क्या करता है दूसरे को, इससे लेना देना नहीं है कि ये गुस्सा वाला है, क्या करना है आदमी होना चाहिए। एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को क्या करता है, कोई भी गुड्स ट्रांसफर करता है तो वह क्या कहलाता है, वह डिलीवरी कहलाती है। बट ये आंसर राइट नहीं है, यहां पे वर्ड आपको लगाना है वॉलंटरी। आप देखिए ए ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन बनेगा, एक में लिखा रहेगा वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दूसरे ऑप्शन में लिखा रहेगा ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो आंसर कौन सा राइट होगा, वॉलंटरी वाला होगा या विदाउट वॉलंटरी वाला, सबको बता दूं 99% लोग सिर्फ इसको राइट करके आते हैं, ये ऑप्शन को गलत हो जाएगा, आपका आंसर होगा वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैं अपनी इच्छा से वॉलंटरी बिना किसी की जोर जबरदस्ती के कोई चीज ट्रांसफर कर रहा हूं वह क्या कहलाएगा, डिलीवरी कहलाएगा। अश्विनी पंधारे जी मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं करना है, अपने को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, अपने को बेस्ट ऑप्शन ऑप्ट करना है, तो वॉलंटरी वाला आपका बेस्ट ऑप्शन है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूं, मुझे पता है इसमें गलती होती है जी। हाँ तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हाँ देखिए यार क्लास में आए हो, ठीक है क्लास में आए हो, जब 12 बजे रात को भी मेरी स्पेशल क्लास होती है तो लोग वहां पे हड़कंप मचाते रहते हैं, और आप लोग यहाँ पे दिन में अगर सो रहे हो तो बहुत ही गलत बात है। एक बार अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हो तो उसका आप क्या करोगे, उसका एविडेंस दो। अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो उसका एविडेंस दीजिए, अगर नहीं है तो अलग बात है। हाँ सभी को कमेंट बॉक्स में अपने एविडेंस को देना है कि हाँ सर हम प्रेजेंट हैं, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, एक एक चीज को मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी चलिए सभी लोग जय हिंद लिख के अपना प्रेजेंस शो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। अब देखिए इसी जय हिंद की एनर्जी के साथ आगे का सेशन। हाँ मोड ऑफ डिलीवरी, जैसा हमने अभी पढ़ा कि जो डिलीवरी होती है नॉर्मल बता दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके मैंने मोड को भी बताया था, तो मोड ऑफ डिलीवरी कितनी होती है फटाफट बताएं, पहली होती है सिंबॉलिक डिलीवरी सांकेतिक, दूसरा होता है एक्चुअल डिलीवरी, तीसरी होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। हाँ जी तीन प्रकार की डिलीवरी होती है, तीनों को आपको पढ़ के जाना है। अब मैं कहूंगा ये कहां से पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने अच्छे से पढ़ाया है, फिर भी समझ लो। सिंबॉलिक का मतलब होता है जैसे आपने कभी कोई गोदाम में माल रखा हुआ है, उसका की पकड़ा दिया, ले भाई की रख,
गोदाम में माल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाबी पकड़ो पूरे गोदाम की, तुम्हारा ही तो माल है। अगर ऐसा कोई करता है, चाबी पकड़ा देता है गोदाम में जहां माल रखा हुआ है, तो यह भी क्या है आपका, एक तरह से सिंबॉलिक डिलीवरी में आता है जी, बिल्कुल। अब आगे की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है। अरे यार 5 किलो आलू चाहिए, आपको आलू लाके दे दिया, ठीक है। आपको कोई चीज है, गाड़ी चाहिए, ठीक है, गाड़ी लाके आपके हाथ में पकड़ा दिया, चाबी नहीं दे रहा हूं, चाबी के साथ साथ पूरी गाड़ी दे रहा हूं, एक्चुअल डिलीवरी हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, आप अब्सेंट थे जी, आपका दोस्त था आपकी जगह पे, मैंने कहा भाई ये कार और कार की चाबी मैं आपके दोस्त को पकड़ा दे रहा हूं, फ्रेंड को, तो ये ऐसा माना जाएगा कि यह कार मैंने आपको ही दी है, भले ही आपके दोस्त के पास पोजीशन गया है इसलिए, ठीक है। तो आपको ना देखे, आपके फ्रेंड को दे दिया गया, जो जिसको अथॉरिटी थी उस प्रोडक्ट को लेने की। तो यह 3 प्रकार की डिलीवरी होती है। डन करे, समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं जी। हाँ फटाफट करना है, टाइम आज बहुत कम है, आगे नेक्स्ट सेशन है 5 बजे। हाँ सेक्शन 2 क्लॉज 3 की बात करते हैं अब। ये क्या कहता है, डिलीवरेबल स्टेट। अरे डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है, दुकानदार के पास गए, एसी दे दो, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, इसलिए एसी का ही एग्जांपल पूरी गर्मी देने वाला हूं। हाँ तो गर्मी लग रही थी, एसी खरीदने गया, एसी वाला शोरूम में एसी ऐसे टांग के बैठा था, उसको बोला भाई एसी बेच दे, उसने कहा ठीक है बेच दूंगा, पैसा दे दिया। अब वो क्या कर रहा है, उस एसी को कार्टून में पैक नहीं कर रहा है, प्रॉपर तरीके से पैकिंग नहीं किया, एज इट इज पड़ा है, तो क्या मैं उसे डिलीवरेबल स्टेट में मानूंगा? नहीं। जब वह दुकानदार उस प्रोडक्ट को पैकिंग करके एकदम अच्छे से रख देगा एक साइड में अपनी दुकान में कि हाँ जी यह हमको सर को देना है, मतलब यह जो परचेजर था उसे बायर को हमें देना है, पैकिंग कर दिया, तो जैसे ही उसने वो पैकिंग करी है, वह यह शो कर रहा है कि द गुड्स इज इन अ डिलीवरेबल स्टेट, राइट। सभी को क्लियर है? हाँ, अब देखिए, इट इज सेट, गुड्स आर सेट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट वेयर द बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। पंजाब का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है, एक्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर मैं क्या कर सकता हूं, मैं बायर हूं, मैंने पेमेंट कर दिया, तो क्या दुकानदार को मैं छोड़ूंगा, मैं उसे बाउंड कर सकता हूं, उसे मैं मजबूर करूंगा, भाई मैंने पैसा दिया है, माल मुझे वापस लाके दे। तो जब बायर सेलर को बाउंड कर सके, तब वह गुड्स क्या कहलाता है, इट इज इन डिलीवरेबल स्टेट। ओके जी। हाँ अब देखिए, स्टूडेंट्स का डिमांड है कि आम का एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। अब आप ये भी बता दे कौन से आम का एग्जाम्पल दूँ, दशहरी एग्जाम्पल दूँ, लंगड़ा का दूँ, कि कौन से मैंगो आपको पसंद है, लिख दीजिएगा, अगली बार मैं उसका एग्जाम्पल दे दूंगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, राइट। हाँ अब देखिए, पंजाब का आपका जो क्वेश्चन था मैंने बता दिया कि जब बायर बाउंड कर सकता हो किसको, डिलीवरी को लेने के लिए सेलर से, तो डिलीवरेबल स्टेट में आएगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। हाँ किसी किसी को ये समझ में नहीं आया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, देखिए ध्यान से सुनिए। जैसे हाँ आपने मुझे आम का ऑर्डर दिया, तो सारे आम जो भी थे जोधपुर के, वो आम मैंने इकट्ठा किए और आपके दोस्त को दे दिए, क्योंकि आप उस टाइम बाहर गए हुए थे और आपके दोस्त को आपने ऑथराइज कर रखा था कि मैं नहीं रहूं तो तू डिलीवरी ले लेना, तो मैंने आपके दोस्त को डिलीवरी कर दी जो कि ऑथराइज पर्सन था। तो इस प्रकार की डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर आएगा। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ अगर आपका दोस्त आम खा गया सारे तो बात अलग है, लेकिन मेरी तरफ से डिलीवरी तो हो गई है। कौन सी डिलीवरी है वो? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आगे की बात करते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 4 की, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अरे हाँ देखो, यहाँ पे जितने भी इंडिया से लोग देख रहे हैं, इस बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूँ, सभी के स्टेट के जो फिक्स आम हैं, हाँ जो जिनको भी मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सभी से मेरा निवेदन है कि अपने अपने राज्यों से मुझे मैंगो भेज दीजिएगा, बिल्कुल मैं एड्रेस आपको दे दूंगा, राइट। तो आप सभी को आम भेजना बहुत पसंद है आई होप, तो सभी लोग यहाँ पे भेजिएगा, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, आराम से मैंगो खाएंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए अब आम से ऊपर आए तो मैं अगला सेशन को ले सकता हूँ, डन। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, आम और इमली छोड़िए। हाँ सेक्शन 2 क्लॉज 4 की बात करते हैं। अब 2 क्लॉज 4 क्या कहता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। ओके जी। अब इसको रीड करने का तरीका, इसको रीड करने का तरीका देखिए। हाँ दिव्या जी पूछ रही सर ये रैपिड है या क्रैश, देखो मुझे भी नहीं पता है, मैं तो आराम आराम से पढ़ाता हूँ, जितनी क्लास चलेगी पूरा समझेंगे, शॉर्ट में कहीं नहीं पढ़ाता हूँ मैं। हाँ अब देखिए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अब देखिए टाइटल टू गुड्स का मतलब क्या होता है, किसी भी गुड्स का ऑनरशिप,
ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कार है, तो कार का जो ऑनरशिप है कागज, वह मेरे लिए क्या है, डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड्स है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ऑफ टाइटल टू गुड्स, वह क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर होती है, फटाफट मैं पढ़ा देता हूं। देखिए हाँ बिल्कुल अमिताभ जी, ये टेलर है अभी तो। हाँ मेरी क्लासेस बहुत ही इन डेप्थ में जाती है, सभी को ये पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए, अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या होता है। इट मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, वर्ड टू बी नोटेड माय लॉर्ड, एनी डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब इसके अंदर कोई एक लिस्ट कवर नहीं हो सकती है, हजारों लिस्ट आते हैं, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है। हाँ, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं चलेगा जी, एकदम कह रहा हूं, नीव से स्टार्ट करते हैं लोग। मैं क्या करता हूं, नीव से भी 100 फीट नीचे अंडरग्राउंड से स्टार्ट करता हूं और पूरा फ्लोर बनाऊंगा, तो कहीं से कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी कहीं पे फंसेगा नहीं। चले आगे से एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करें एक बार। सभी के कमेंट बॉक्स इतने फटाफट आते हैं ना, तो मैं पढ़ाने में डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। सभी लोग एक बार थम्स अप कर दें, ताकि मैं इसको एकदम अच्छे से आपको क्लियर कर दूं, फिट हो जाए आपके दिमाग में। हाँ जी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज आता है, डे टू डे बिजनेस जो आप कर रहे हैं, सामान्य बिजनेस, उसमें जो डॉक्यूमेंट काम में आता है, वह डॉक्यूमेंट टू टाइटल कहलाता है। अब वह डॉक्यूमेंट कैसे काम आता है, एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। हाँ जी, जिसके पास ऑनरशिप है, जिसके पास पोजेशन है, जिसके पास गुड्स का कंट्रोल है, वो कैसे बताएगा, वो ऐसे बताएगा, कागज दिखाएगा, लीजिए जी इसका ओनर मैं हूं, मैं अनुप उपाध्याय इसका ओनर हूं, आप हैं तो अपना नाम बताएंगे। तो यही तो होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, बट यही पे अपनी कहानी खत्म नहीं होती। आगे देखिए, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग और परपोर्टिंग टू ऑथोराइज ईदर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी द पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और टू रिसीव द गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय इट। अब देखिए, एक वर्ड यहां अंडरलाइन कर रहा हूं जो आपको याद रखना है, डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको ऑथराइज कर रहा है कि भाई इसका मालिक यही है, इस गुड्स का कंट्रोल इसी के पास है, वह ऑथराइजेशन ही क्या कहलाता है। हाँ, वह ऑथराइजेशन क्या कहलाता है, वही ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स कहलाता है जी। हाँ, साची सिन्हा कह रही है, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर एंड वॉच फर्स्ट टाइम। चलिए सभी लोग एक बार साची सिन्हा जी के लिए थम्स अप कर दीजिए, हमारे न्यू कैंडिडेट जुड़े हैं जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए साची जी। हाँ अब देखिएगा, हाँ इसके हिंदी है, आप पढ़ लीजिएगा। अब ध्यान से दूसरा पॉइंट देखिएगा, जो आपका सेक्शन 2 का क्लॉज 4, जो आपको मैंने अभी बताया कि ऑनरशिप जो आपका पोजीशन बता रहा है, वही डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स इन्वॉल्व होंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स के अंदर। हाँ पहला देखिएगा, फॉलोइंग आर द यूजुअल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। फर्स्ट, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग को क्या कहते हैं, जहाजी बिल्टी। बिल्कुल एकदम, देखो एक एक वर्ड को समझा रहा हूं, बेयर एक्ट के एक एक वर्ड को अच्छे से समझिएगा। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट, अच्छी बात है। हाँ, डॉक्यूमेंट किसका है, टाइटल टू द गुड्स का, तो इट इज अ डॉक्यूमेंट टू द टाइटल ऑफ गुड्स विच एंटाइटल्स द पजेसर और टू रिसीव द गुड्स। मतलब यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है जो कि जिसका पजेसर जो है, जिसके पास यह टाइटल है, मतलब यह बिल ऑफ लेडिंग है, जिसके पास इसका पजेशन है। हिंदी में समझो ना यार, इतना क्या समझ रहे हो। देखो बिल ऑफ लेडिंग मेरे पास है, तो मैं कौन हुआ, इसका पजेसर हुआ, मेरे पास इसकी ऑनरशिप है। जैसे ही मैं शिप जाऊंगा ना, पानी का जहाज, सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने, हाँ वही पानी का जहाज, जहाँ पे नेवी वगैरह सब कुछ होते हैं, पोर्ट होता है जिसको बंदरगाह कहते हैं, वहाँ पे मैं ये जहाजी बिल्टिंग लेके गया, बिल ऑफ लेडिंग लेके गया, ये मेरे पास में था। मैंने कहा जी लीजिए और माल दीजिए, तो बिल्कुल वह जो कैप्टन ऑफ शिप है, उसे मुझे माल देना पड़ेगा, क्योंकि मैं पजेसर ऑफ क्या हूँ, बिल ऑफ लेडिंग हूँ। तो बिल ऑफ लेडिंग कहाँ काम आता है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ये कहाँ पे काम आता है, पोर्ट पे काम आता है। हाँ, कोई भी आपका जो गुड्स आया है पानी के जहाज से, वह पानी के जहाज के ऊपर जो मामला जो रखा हुआ है ना, गुड्स आपका कार्गो, उसको लेने का आपके पास अधिकार है, वह आप कैसे ले सकते हैं, बिल ऑफ लेडिंग आपके पास अगर है तो आप जाइए उसको दीजिए, कैप्टन ऑफ शिप साहब प्लीज मुझे अपना माल दे दीजिए, ये आप बिल ऑफ लेडिंग ले लीजिए, तो बिल्कुल आप उसके क्या हो जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे। हाँ
हाँ बिल्कुल, सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डॉक वारंट क्या होता है, डॉक वारंट को हिंदी में भी डाक वारंट कहते हैं। हाँ, अब ये भी क्या होता है, इट एंटाइटल्स द पजेसर। अब पजेसर कौन है, जिसके पास यह डॉक वारंट पड़ा है। ऑफ इट, देखिए इट एंटाइटल्स द पजेसर ऑफ इट टू रिसीव द गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय इट फ्रॉम द डॉक ऑनर। हाँ, अगर आपके पास डॉक वारंट है तो वहां पे आप जाके क्या कर सकते हैं, जो डॉक ऑनर है उसको आप ये कागज दिखाएंगे और अपना पजेशन गुड्स का वापस ले सकते हैं। हाँ, गोवा वाले बीच पे, बिल्कुल आप जो भी समझे आपके हिसाब से, आप अपने मन में बिल्कुल सारे एग्जांपल्स, हाँ एक कहते हैं ना कि मन के विचारों को रोका नहीं जा सकता है, तो आप अपने सारे विचारों को आप ले जा सकते हैं आगे तक। चलिए, हाँ तो अब आपको बता दिया बंदरगाह के स्वामी द्वारा जारी की गई माल प्राप्ति की रसीद। हाँ, जो पोर्ट होता है, पोर्ट का जो ऑनर होता है, मतलब अपने यहाँ गोडाउन होता है, वहाँ पे क्या होता है, यार्ड होता है, यार्ड के अंदर जो आपका माल रखा है वह आप ले सकते हैं इस रसीद को दिखा के। अब एक और वर्ड है, वेयर हाउस कीपर कौन होता है या वेयर फिंगर सर्टिफिकेट क्या होता है। सिंपल सी बात है, ये तो आपको अच्छे से आता है, इट एंटाइटल्स द पजेसर, पजेसर किसका, इस हाउस कीपर सर्टिफिकेट का या फिर वेयर फिंगर सर्टिफिकेट का जो पजेसर है, टू रिकवर द गुड्स डिस्क्राइब्ड इन इट फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर और वेयर फिंगर। अरे सिंपल सी बात है, गोडाउन में माल रखा है भाई, ये दे दो और गुड्स ले लो, डन। अगला चलिए आरआर। अब देखो काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जब मैं पढ़ा भी रहा था तो आरआर देख के कंफ्यूज हो रहे थे, तो फटाफट बताइए आरआर क्या होता है। हाँ जल्दी से बताइए आरआर क्या होता है, रेलवे रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट क्या होता है आपका, कि भाई आपको सिंपल सी बात है, आपकी गाड़ी है, मान लीजिए आपकी एक बाइक है, वह आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको आइडिया दिया, कोई बात नहीं मैं आपका सर हूँ, आप मुझे गाड़ी भेजना चाहते हैं, आप रेलवे डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे जो एक वो कैरियज वाला मामला होता है, रेलवे कैरियज होता है, वहाँ पे आप उसको पैक करवा के चढ़वा दीजिए और वहाँ से एक रेलवे रिसिप्ट होती आरआर, वह ले लीजिए और मुझे भेज दीजिए। जैसे ही मेरे पास आरआर आएगा, वह आरआर देख के मैं क्या करूँगा, ट्रेन से गाड़ी उतार लूँगा। तो ये क्या हो गया, यह भी एक हो गया डॉक्यूमेंट जो ये बताता है कि इस गुड्स का ऑनर कौन है, तो इसको कहते हैं रेलवे रिसीट। एन आर आर इज अ डॉक्यूमेंट द पजेसर ऑफ विच इज एंटाइटल टू रिसीव गुड्स डिस्क्राइब इन इट फ्रॉम द रेलवे कंपनी इश्यूइंग इट। तो आरआर को इश्यू कौन करता है, याद रख लो आरआर को इश्यू, रेलवे रिसीट को इश्यू कौन करता है, कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ याद होता जाएगा। हाँ बिल्कुल, कंपनी इश्यू करती, कौन सी, रेलवे कंपनी। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इस सेक्शन का क्या होता है, ये देखो डिलीवरी वारंट और डिलीवरी ऑर्डर। अब डिलीवरी वारंट या डिलीवरी ऑर्डर क्या होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स एन ऑर्डर। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक ऑर्डर लिखा होता है, क्या ऑर्डर लिखा होता है, ऑनर के द्वारा, बाय द ऑनर ऑफ द गुड्स टू अ पर्सन हैविंग पोजेशन ऑफ गुड्स ऑन हिज बिहाफ टू डिलीवर द गुड्स स्पेसिफाइड इन इट टू अ पर्सन नेम्ड देयर इन। मतलब सिंपल सी बात समझो मेरी भाषा में, क्या कह रहा हूँ, डिलीवरी ऑर्डर ये होता है, मैं मालिक हूँ, मैंने एक व्यक्ति को डिलीवरी ऑर्डर दिया कि भाई ये माल जो तेरे पास पड़ा है ये इस व्यक्ति को डिलीवर कर, समझ रहे हो, मैं एक व्यक्ति को क्या कह रहा हूँ, ये जो माल तेरे पास पड़ा है मेरा ही है ना, मैं ऑनर हूँ, इस व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा हूँ, ये माल तो सी पर्सन को भेज दे, ये डिलीवरी ऑर्डर है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिएगा, फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट में आपका रॉन्गफुल एक्ट या फिर डिफॉल्ट दोनों कवर होता है। अब बात करेंगे फ्यूचर गुड्स की, तो फ्यूचर गुड्स, हाँ ये समझ में आ गया ना सभी को, रॉन्गफुल एक्ट या डिफॉल्ट कोई भी आप काम कर रहे हो, फॉल्ट हो गया और लाइबल होंगे आप। अब फ्यूचर गुड्स ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है जी, 100% वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। फ्यूचर गुड्स का मतलब ये होता है द गुड्स विच इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, मतलब क्या हो गया, ऐसा गुड्स जो क्या है बाद में जाके, प्लीज वेट, हाँ जी माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल एरर भी आ गई थी, हाँ पानी भी पी लिया मैंने। फटाफट ये बताते हैं कि क्या विजिबल है या नहीं वीडियो, किसी ने लिखा था विजिबल नहीं है, इज इट विजिबल और नॉट, फटाफट बताइए, मैंने चेक भी कर लिया इसी बहाने। हाँ एक बार बता दीजिए विजिबल है या नहीं, हाँ परफेक्टली, मैं हाँ बिल्कुल मैं डन कर लिया हूँ, हाँ विजिबल है, आगे चले, ओके डन। अब देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सभी को,
मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे गुड्स जिनको मैन्युफैक्चर्ड करना क्या है, बाद में किया जाएगा। हमने क्या किया, आज आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि चलिए इस प्रोडक्ट को लेके मैं क्या करूंगा, आपको माल बेचूंगा, बट ये प्रोडक्ट कब बनेगा, 2023 में इसका निर्माण किया जाएगा। तो फटाफट बताइए, हाँ फटाफट बताइए आप सभी लोग कि क्या ऐसे गुड्स को क्या कहा जाएगा, जो गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है वह क्या कहा जाएगा, फ्यूचर गुड्स कहा जाएगा। तो फ्यूचर गुड्स के बेस पे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यस या नो, फटाफट सभी का आंसर दीजिए, क्या फ्यूचर गुड्स के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है या नहीं, यस और नो, फटाफट अपने आंसर दीजिए। हाँ, फ्यूचर गुड्स के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड और नॉट। दिव्या माही जी कह रहे हैं नहीं, अमिताभ जी यस, ओके, डन है सभी को, बिल्कुल फ्यूचर गुड्स के ऊपर भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अरे चंद्रमा पे घर खरीद रहे हैं लोग, क्या बात कर रहे हो, चंद्रमा पे घर खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अभी तो जीवन नहीं है, फ्यूचर में भी जीवन हो सकता है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं समझने के लिए, तो सोचिए कि यहां पे फ्यूचर गुड्स के बेस पे भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, राइट। आगे चलते हैं, हाँ इसका मतलब होता है विच गुड्स विच इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के बाद जो गुड्स के ऊपर सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वह फ्यूचर गुड्स कहलाता है। और फ्यूचर गुड्स की बात बता दूं, भावी माल कहा जाता है इसे, पीजीएस पंजाब में 2015 में पूछा गया था। बिल्कुल सभी को क्लियर है, जो फ्यूचर गुड्स है यह पूछा गया था डेफिनेशन पंजाब के एग्जाम में कि फ्यूचर गुड्स इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, तो आपको लिखना है सेक्शन 2 क्लॉज 6, इट मीन्स गुड्स विच आर नॉट येट इन एग्जिस्टेंस। अब इसका अर्थ भी पूछा गया था, तो क्या बताना है, ऐसा गुड्स जो अभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं है जी। आगे क्लियर करें, अब देखो नया चीज ला रहा हूं, सबसे ज्यादा आज के टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए सेशन रखा गया है जी, गुड्स क्या होता है सेक्शन 2 क्लॉज 7 के हिसाब से। हाँ, अभी मैं आपके सामने पूरी टेबल लेके आने वाला हूं, बिल्कुल यह पूरी टेबल लेके आ रहा हूं और गुड्स को बताऊंगा, डरिएगा नहीं, टेबल देख के आराम से याद करा दूंगा, फिट करा दूंगा। अब देखिए, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल, तो इससे पता चलता है गुड्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आती है, ओनली एंड ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, फटाफट बताओ, जब ये कह रहा है इट मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या इमूवेबल भी आएगा, अरे बोल ही नहीं रहा, क्यों आएगा भाई, तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। बट इसके अंदर क्या नहीं आएगा, एक तो एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा और दूसरा मनी नहीं आएगा, डन हो गया। तो दो चीजें याद रख लीजिए, गुड्स में सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है बट क्या नहीं आता है, एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आता है। अब आगे की बात करते हैं, एंड इंक्लूड्स, मतलब गुड्स के अंदर और क्या क्या आता है वो बता रहा हूं, गुड्स इंक्लूड्स पहला स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ऐसी कोई भी वस्तु जो लैंड से अटैच्ड है या लैंड का कोई पार्ट बन रहा है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसको लैंड से अलग किया ही जाएगा, ठीक है। जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल आपने उगाई, गेहूं बड़े बड़े इतने हो गए हैं, अब क्या गेहूं को क्या करोगे, आप जिंदगी भर पेड़ बनाओगे, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। उसको क्या किया जाएगा, उसको सीवर्ड मतलब काटा जाएगा, काट के उसको पीटा जाएगा, फिर गेहूं निकाल के बेचा जाएगा, तो वह क्या है, गुड्स में आएगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं, अब आप ये नहीं कह सकते जमीन के अंदर है ये, तो नहीं। हाँ, गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टॉक हो गया, शेयर्स हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स जो खड़ी फसल है आपकी, गेहूं की फसल हो गई, ग्रास हो गया, कोई भी अटैच है जो फॉर्मिंग पार्ट है लैंड से, विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड। हाँ, ये लाइन नहीं लिखी होती ना तो मामला गड़बड़ हो जाता, विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वह क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। चलिए इसके बारे में पूरे चार्ट को पढ़ते हैं, सभी पूरे चार्ट को देखिएगा, गुड्स में क्या क्या आते हैं, नॉट गुड्स में क्या आते हैं। पहला देखिए, गुड्स के अंदर की लिस्ट पढ़ लेते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी बिल्कुल अभी पढ़ा हमने, मेटल एंड स्टोन, जो भी आपका मेटल होता है, स्टोन होता है, वो भी गुड्स में आएगा, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ग्रास का मतलब घास होता है भाई, खड़ी फसल, सभी को समझ में आ रहा है, एकदम इंग्लिश इजी इंग्लिश लिया है, खड़ी फसल हो गई आपकी। हाँ, शेयर्स का मतलब क्या होता है, अंश, स्टॉक को स्टॉक ही कहते हैं, मेटल या स्टोन। हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी को जंगम संपत्ति जिसको कहा जाता है, ये सभी क्या है आपके, ये सभी के सभी गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। हाँ,
हाँ बिल्कुल है जी। अब देखिए थिंग्स अटैच्ड, और जो थिंग्स अटैच है किससे या फॉर्मिंग पार्ट है लैंड से, वह भी चीज इसमें आएगी। अब एम्ब्लीमेंट्स, एम्ब्लीमेंट्स का मतलब कोई बताएगा? हाँ कोई है जो एम्ब्लीमेंट्स का मतलब बता सकता है? हाँ अरे जो ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं ना जिनको खाया पिया जाता है यार, फ्रूट्स हो गए वेजिटेबल्स हो गए, उपज कह सकते हैं, वेरी नाइस उपज कह सकते हैं। सुन लो याद आ गया मुझे भी, उपज हो गई या फिर इसको कह सकते हैं पैदावार। कोई भी चीज जो जमीन से पैदावार होती है ना, जमीन गेहूं हो गया, चावल जो उगाते हो आप सभी लोग, ये सभी एम्ब्लीमेंट्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को और ले सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया या फिर बोल सकते हैं वेजिटेबल्स हो गया, राइट right? ये सभी क्या होते हैं आपके एम्ब्लेमेंट्स, ये भी गुड्स में आएंगे। अब बात करते हैं डिबेंचर आफ्टर अलॉटमेंट। हाँ डिबेंचर्स को कहते हैं ऋण पत्र, बिल्कुल याद कर लीजिए, इसको कहते हैं ऋण पत्र। अगर कोई भी ऋण पत्र है आपका और वह आफ्टर अलॉटमेंट है तब तो वह गुड्स में आएगा, बट वहीं अगर वह बिफोर अलॉटमेंट है तो वह नॉट गुड्स में आ जाएगा। फिर आगे की बात देखिए, कोई भी ओल्ड कॉइन्स या ओल्ड नोट्स हैं, चलिए एक आने का सिक्का है ठीक है, या 10 पैसे का सिक्का है, जिसको अभी हमारी आरबीआई ने क्या कर दिया है, लीगल टेंडर से हटा दिया है। लीगल टेंडर का मतलब वैध मनी जो होती है, जो हमारी जैसे 100 का नोट है, 500 का नोट है, ये लीगल टेंडर में आता है। मोदी जी ने कहा था ना आज इस तारीख से यह जो 1000 का नोट है यह लीगल टेंडर नहीं रहेगा, तो ऐसा कुछ जो कहा था वो क्या था, यही था। तो लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, जो पैसा अभी आरबीआई चला रही है। तो ओल्ड कॉइन या ओल्ड नोट्स जिसे आरबीआई ने क्या कर रखा है, सिर्फ अभी एज अ मतलब उसको क्यूरियोसिटी के लिए रखा हुआ है देखने के लिए, उसे भी गुड्स की डेफिनेशन में माना जाएगा। याद रख लीजिए यहां मैं क्या कह रहा हूं, मनी जो है गुड्स नहीं है, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा संचालित है इसलिए यह गुड्स में नहीं आएगा, बट ये आरबीआई के द्वारा संचालित अब नहीं है, इसे कह दिया गया ये लीगल टेंडर नहीं है, नॉट अ लीगल टेंडर, लिख देता हूं नॉट अ लीगल टेंडर। इस वजह से ये क्या है आपका ओल्ड कॉइन और ओल्ड नोट्स नहीं आएगा। आगे की बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट की, चाहे ये गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, चाहे फॉरेन करेंसी हो गया, आईपीआर हो गया, आईपीआर का मतलब क्या हो गया, गुडविल हो गया आपका, पेटेंट हो गया आपका, ट्रेडमार्क हो गया, हाँ जी और कोई बता सकता है, कॉपीराइट हो गया, ये सभी के सभी क्या है जी, ये सभी के सभी आपके किस में आएंगे, आईपीआर में आएंगे और गुड्स कहलाएंगे। अब देखिएगा कोई भी वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी, कोर्ट की डिक्री आ गई, लॉटरी टिकट हो गया, ये सभी आपके गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। चलिए मैं इतना डीप में क्यों ले रहा हूँ, एग्जाम में परफेक्टली पूछा जाता है, अगर आपने आज ये क्लास देख ली तो आई होप अब आपका गुड्स का गड़बड़ नहीं होगा। अब देखिए नॉट गुड्स में क्या आएगा, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब समझते हैं स्थावर संपत्ति, जो कि क्या है जैसे आपका घर है, जो आपका बंगला है वह घर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक्शनेबल क्लेम, हाँ जी एक्शनेबल क्लेम क्या होता है कोई बता सकता है, एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है अ राइट विच इज एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा राइट जो कि कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल है, कोर्ट के द्वारा वह राइट एनफोर्सिएबल है वह कहलाता है एक्शनेबल क्लेम। तो ऐसे राइट को गुड्स नहीं कह सकते हैं। डिक्री भी क्या है आपकी, हाँ डिक्री के बारे में आप पूरा जजमेंट है मैं शेयर करूंगा। हाँ अभी देख लीजिए, एक्शनेबल क्लेम, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम और मनी, ये तीनों के तीनों गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। अब मनी क्यों नहीं आता, मनी इज अ लीगल टेंडर दैट्स व्हाई। राइट टू क्लेम प्राइस, अब देखिए ये एक्शनेबल क्लेम का एग्जाम्पल कह सकते हैं। हाँ कोई भी लॉटरी टिकट थी, लॉटरी टिकट आपका क्या है गुड्स है, बट जैसे ही मैं टिकट वो जीत गया तो प्राइस को लेने का अधिकार क्या है मेरा, वह गुड्स नहीं है। जो राइट होता है वह हमेशा नॉट गुड्स की डेफिनेशन में आता है। अब बात करते हैं सर्विसेज की, हाँ जी सर्विसेज क्या होते हैं जी, जैसे आप एरोप्लेन में घूम रहे थे, एरोप्लेन में आपको क्या हुआ, कुछ आपको लिक्विड आइटम मिला, खाने के लिए चीज़ें मिली, तो वो सब क्या है आपका, वह सर्विस में आएगा। होटल में गए, कोई होटल में आपने खाना खाया, सुना है ना कभी डिस्को में जाए तो वही होटल में जाके आपने खाना खा लिया, तो ये सब क्या है आपके गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सर्विस है एंड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, राइट। अब चलते आगे, हाँ डिबेंचर अगर आफ्टर अलॉटमेंट है तो गुड्स, बिफोर अलॉटमेंट पड़ा है तो आपका गुड्स वुड्स कुछ नहीं है जी। आगे बढ़े, हाँ सभी को क्लियर हो गया आई होप, पूरा का पूरा गुड्स का मामला क्लियर कर दिया है। हाँ जिसको समझ में नहीं आया हो कोई एक भी पॉइंट, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, वहां से मैं आपको समझा दूंगा जो और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं।
ठीक है जी, ठीक है, थोड़ा स्लो कर देता हूँ, आई होप थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ आप सभी के लिए। तो बस एक लिस्ट थी जी, इसलिए फास्ट हो गया। हाँ, अभी देख लीजिए, पूरा लिस्ट है, ये गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा और यह गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। आई होप क्लियर है स्वरा जी, स्वर शाह जी, आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए अब बात करते हैं गुड्स, अभी खत्म नहीं हुआ है गुड्स, हाँ अभी गुड्स का अभी चीरफाड़ बाकी है। देखिए गुड्स के रेस्पेक्ट में कुछ और बातें बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं, देयर मस्ट बी सम गुड्स। तो बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिना गुड्स के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए गुड्स का होना जरूरी है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सारी बातें वही लिखी हुई है कि जो मैंने बताया, अदर देन एक्सनेबल क्लेम एंड मनी। मनी क्यों? लीगल टेंडर होता है, देखो लिखा भी है। अब गुड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है? शेयर्स, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ग्रोविंग क्रॉप्स, ग्रास, फ्रूट्स, मिनरल्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सारी वही बातें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। राइट, आगे चलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सर्विसेज आर ऑल्सो नॉट गवर्न्ड बाय दिस एक्ट। कुल मिला के मैंने सारी चीजें बता दी आपको, लैंग्वेज फॉर्म में समझा दिया। हाँ ओके ओके स्वर शाह जी, चलिए सभी को क्लियर है गुड्स की डेफिनेशन, एक बार थम्स अप लिख दे कि हाँ सर, जो आप ये लिस्ट लेके आए, जो आपने चीजें बताई, हमें कंफर्म हो गया है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूँ, फटाफट बताइए, आप सभी के अप्रूवल हो तो आगे बढ़ा जाए जी। हाँ डन है, ओके ओके, सही बोल रहे हैं प्रगति जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिल्कुल। हाँ आगे बढ़ते हैं। इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट कौन होता है? विजय माल्या, सॉरी आई मीन टू से इंसॉल्वेंट कौन होता है? जो अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर सकता हो। राइट, हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट्स एंड दैट बिकेम ड्यू, वह कहलाएगा इंसॉल्वेंट। डन, तो जिसकी डेब्ट्स क्या हो गई हो, ये देखो मैं पीला भी करके लाया हूं, हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट्स बिकम्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को और क्या कहते हैं जरा बताइए अंग्रेजी में? हाँ, इंसॉल्वेंट को कहते हैं बैंकरप्टसी। क्या कहते हैं? बैंकरप्टसी। लिख देता हूं, इंसॉल्वेंट का दूसरा नाम भी ये भी है, ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं हुए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं जरा कमेंट करके बताइए, इतना खतरनाक। ये देखिए दिवालिया, बिल्कुल ये वर्ड ऐसा है कि लगता है किसी को गाली दे रहे हैं, तो ये प्लीज, ये वर्ड हिंदी में बहुत अजीब सा है। हाँ, तो बैंकरप्टसी को हिंदी में क्या कहते हैं? दिवालिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है जी? हाँ, मर्केंटाइल एजेंट वह एजेंट होता है, जैसे अड़तिया कहते थे पहले, ये कौन होते हैं पता है आपको? ये व्यापार जहां चलता रहता है, जहां बिजनेस रन करता है, वहां घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे मंडराते रहते हैं, कहां से पैसा मिल जाए, कहां से परचेजर मिल जाए, कहां से सेलर मिल जाए, दोनों को मिलवा दूं, एजेंट हूं, कमीशन ले लूं। तो एजेंट कौन होता है? अ मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इट मींस अ मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एज सच एजेंट और अथॉरिटी ईदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल और टू बाय द गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। कहने का मतलब, मर्केंटाइल एजेंट के कितने काम हैं? हाँ खान सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड इवनिंग। राइट, चलिए पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब पढ़ाई कर लेते हैं। देखिए मर्केंटाइल एजेंट के अंदर कौन आता है? पहला पॉइंट, मार्किंग करके पढ़ेंगे। हाँ, पहला पॉइंट फर्स्ट, जो सेल करता है गुड्स को। दूसरा पॉइंट, जो गुड्स को भेजता है, मतलब कंसाइन करता है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तीसरा पॉइंट, जो गुड्स को बाय करता है या फिर मनी को रेज करता है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। तो ये चार काम किसके हो गए? मर्केंटाइल एजेंट के हो गए हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब अपन जब भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी गुड्स बेचता है, तो क्या फ्री में बेचता है क्या? इसकी आंख इधर हो गई। हाँ, कोई भी गुड्स अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेचता है, वह सेल के अंदर जब सेल करता है गुड्स का, तो क्या वो फ्री में करता है? नहीं, वह एक प्राइस के बदले करता है। तो यह प्राइस क्या होती है जी? यह प्राइस होती है मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। जो पैसा कंसिडरेशन के फॉर्म में वापस आ रहा है, वही इसकी प्राइस कहलाएगी। हाँ, अब देखिए 211 की बात कर लेते हैं। हाँ, 211 में क्या बताया गया है? प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। हाँ, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। नहीं, यहाँ पे इसके हिसाब से समझते आइए। प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक जनरल प्रॉपर्टी और एक कौन सी होती है? स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। एग्जाम में आएगा कैसे, क्वेश्चन को समझिए। एग्जाम में प्री में यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्री में कैसे आएगा कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स जनरल प्रॉपर्टी ऑफ, जनरल प्रॉपर्टी ऐसे समझ लीजिए, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स जनरल प्रॉपर्टी, ए ऑप्शन।
बी ऑप्शन को समझिएगा, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ओनली स्पेशल प्रॉपर्टी. सी ऑप्शन, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स जनरल प्रॉपर्टी एज वेल एज स्पेशल प्रॉपर्टी. तो आपको दोनों ऑप्शन सी राइट करना है, राइट right? कि प्रॉपर्टी के अंदर आप बेयर एक्ट में देखेंगे थोड़ा अजीब लाइन लिखी हुई है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं. तो एक प्रॉपर्टी के अंदर दोनों के दोनों आते हैं, चाहे वो जनरल प्रॉपर्टी हो चाहे वह स्पेशल प्रॉपर्टी हो. सभी को समझ में आ गया? हाँ जी, संपत्ति है आपकी, ये संपत्ति है. ओके अब देखिए क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या होती है, इट मीन्स देयर स्टेट और कंडीशन. पहला पॉइंट क्या हो गया, जो उसकी स्टेट होती है, जिस स्टेट में जिस दशा में जिस अवस्था में वो है वही उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स कहलाती है. सेलर कौन मतलब क्या होता है, अब ये क्या बताऊं, हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स. स्पेसिफिक गुड्स क्या होती है, मैंने बोला मुझे तो यही माल चाहिए, ठीक है, मैंने इसी के लिए आपको मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया है, या फिर मैंने आपको इसी प्रोडक्ट के लिए पैसा दिया है, मुझे तो दूसरा कोई आइटम एज इट इज भी नहीं चाहिए, तो वह गुड्स क्या कहलाता है, स्पेसिफिक गुड्स कहलाता है. इट मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड, जिसको हमने पहचाना है और एग्री हुए हैं जिसके ऊपर, अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, वह स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन में आएगा. हाँ, अब 15 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, आज हमारा डेफिनेशन पोर्शन खत्म हो गया है. यह कहता है कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड नहीं है, उसका मीनिंग कहां से लेंगे भाई, बताओ जरा. हाँ, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन नहीं है उसका मीनिंग हम कहां से उठाएंगे, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में. हाँ, सभी का वेट कर रहा हूं, हिला दीजिए तो जरा. हाँ ज्योति जाधव जी, केवल स्पेशल प्रॉपर्टी ही नहीं, जनरल प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है, उसका इंटरप्रिटेशन कीजिए. इट इंक्लूड्स नॉट ओनली ए स्पेशल प्रॉपर्टी, इट इंक्लूड्स ऑल्सो जनरल प्रॉपर्टी, दोनों कवर होते हैं जी. हाँ बहुत बढ़िया जी. हाँ, एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैव द मीनिंग असाइन टू देम इन दैट एक्ट. तो हमें कॉन्ट्रैक्ट की बात को वही सेम लेना है. हाँ चलिए, अब देखिए एक और चीज़ बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सेक्शन 3 की बात करेंगे. हाँ देखिए, हमारा एक लिंकिंग रेगुलर बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, जो कि कब से स्टार्ट हो रहा है साथियों, हमारा ये 13 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है. हाँ 13 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुका है. अब आप सभी लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी सारी पढ़ाई कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे. हाँ जी बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चलते जाएंगे. अब आगे की बात और बता दूँ इसमें अभी सभी को, कि ये जो 13 अप्रैल वाला बैच है जो चल रहा है, इसमें क्या डेप्थ स्टडी होगी, बिल्कुल इन डेप्थ आपको एक एक सेक्शन पे जोर दिया जाएगा, जो कि रेगुलर बैच है. तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए. हाँ अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो अनुप20 कोड आप यूज करके 10% आप इस पे डिस्काउंट ले सकते हैं. आगे की बात करते हैं, एपीओ का लिंकिंग बैच, बिल्कुल यहां पे मैं 20 तारीख से आर्म्स एक्ट लेके आ रहा हूं. जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आर्म्स एक्ट लेके आऊंगा, हैंड ग्रेनेड और कुछ भी मिसाइल लेके नहीं आऊंगा, और इसको अच्छे से मैं आपको डील करूंगा. तो पहला मेरा सब्जेक्ट है आर्म्स एक्ट, जो मैं लेके आ रहा हूं 20 तारीख से एपीओ का लिंकिंग बैच. जो लोग जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जो एक अच्छे एडवोकेट्स की कैटेगरी में भी आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट होगा ये. हाँ सभी स्टेट वाइज चलाया जाएगा, ऑल स्टेट एपीओ एग्जाम है ये. हाँ ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 20 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है जी. हाँ कोई भी कोर्स, अगर आप एपीओ का कोर्स सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो आप वहां पे भी अनुप20 कोड यूज करके जो प्राइस है उसके अंदर 10% आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं. आगे की बात करें, हाँ अनअकैडमी दो तरह के सब्सक्रिप्शन को देती है, पहला बताइए प्लस, दूसरा क्या होती है आइकॉनिक. प्लस में क्या होता है, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड स्ट्रक्चर्ड, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये आपकी इसमें मिलेगी प्लस कोर्स में. अब बात करेंगे आइकॉनिक के अंदर, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस एंड वन टू वन पर्सनल गाइडेंस तो है ही है. तो ये सारे दो डिफरेंस होते हैं, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को परचेज कर सकते हैं. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के अंदर एक प्लस का होता है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है. प्लस के अंदर आप बात करेंगे तो 6, 12, 18, 24 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं, जहां पे आप अनुप20 कोड यूज करके क्या कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं. फिर उसके बाद आइकॉनिक की बात अगर करेंगे तो यहां पे भी आप अनुप20 कोड यूज करके 6, 12 और 24 मंथ्स के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं. सर ट्रस्ट एक्ट भी पढ़ाइए, अरे सब पढ़ाएंगे जी, धीरे धीरे आएंगे, पढ़ा पढ़ा के जाएंगे. चलिए बक्स बाउंटी क्या होती है, अगर आपको यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी कंटेंट इन अप्रोप्रिएट लग रही है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं. ये भी याद रखिएगा, मैं भी एडवोकेट हूँ. चलिए मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको इन अप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं बक्स बाउंटी के माध्यम से. आगे बढ़ते हैं जी. हाँ टाइमिंग को मैं बता दिया जाएगा, लेटर ऑन स्टेज पर टाइमिंग भी बता दिया जाएगा.
ओके जी, अब देखिएगा सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये मैंने शुरुआत में ही सेक्शन 3 आपको बता दिया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन क्या होगा, सारा का सारा अप्लाई होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे। हाँ, उसी लेवल तक अप्लाई होगा जब तक वह कंसिस्टेंट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी कानून इनकंसिस्टेंट हुआ तो उसे अप्लाई नहीं किया जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। हाँ, चैप्टर 1 किसको किसको क्लियर हो गया सर कि हाँ, जो चैप्टर आपने 3 सेक्शन आज पढ़ाए जी, बड़ा ही मज़ेदार था। तो अपना पूरा पूरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि हाँ सर, इसी तरह से आगे बढ़ाते जाइए, मज़ा आ रहा है। तो मैं ऐसे ही लेक्चर्स पूरे दिन, पूरे टाइम, पूरे महीने लेके आऊँगा और आप एंजॉय करेंगे जी। ओके, हाँ, अब देखिए एक फटाफट 5 मिनट की क्लास है, फटाफट इसको भी खत्म कर लेते हैं, लास्ट 5 मिनट्स। हाँ, चैप्टर 2 ये होता है सेक्शन 4 से 17 तक जाएगा। अब ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, विक्रय की संविदा के बारे में। तो दो डेफिनेशन लास्ट क्लियर करते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है, सेल पहला पॉइंट, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, नॉर्मल में गुड्स को बेच रहा हूं सेल है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? शिवा गौरी जी, थैंक यू फॉर योर एप्रिशिएशन। हाँ, मजा इज कमिंग। ओके जी, हाँ, ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं, देखो सेक्शन 4 क्या होता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब हो गया विक्रय। पहले हम सेल की बात कर लेते हैं। चलो, सेल क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ गुड, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods। जहां पे सेलर क्या होता है, या तो ट्रांसफर कर देता है या एग्री हो जाता है, हाँ भाई मैं गुड्स को ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, आपका सेल हो जाता है। किसको, बायर को ट्रांसफर करूंगा एक मूल्य के लिए। देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन अ पार्ट, बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। ये लाइन भैया इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग छोड़ देते हैं। ये आता है एग्जाम में, प्री में यहां से क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। हाँ, ये जैसे मान लीजिए एक कोई गुड्स है, इस गुड्स के 2 ओनर हैं, आधे का ए है आधे का बी है। तो यहाँ पे एक नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति खुद को ही कुछ नहीं बेच सकता है, मेरी प्रॉपर्टी मैं ही अपने आप को बेचूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये नियम का ये अपवाद है एक तरह से। ये कह रहा है अगर एक गुड्स है, उसका इस पूरे गुड्स का अकेला ओनर कोई नहीं, इसके 2 ओनर हैं, ठीक है, एक तो ये है एक ये बी है। अगर यहां पे बी चाहता है कि भाई यहां से मैं फ्री हो जाऊं, तो यहां पे ए क्या कर सकता है, इस पार्ट को खरीद सकता है। बिल्कुल, ए जो है वह इस पार्ट को परचेज कर सकता है, और ये जो बी है अपन ए इस पार्ट को, ए को सेल कर सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो यही वर्ड यूज हुआ था यहां पे, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। सभी को क्लियर हो गया है जी, अच्छे से, तो आगे बढ़े। अब देखिएगा, लास्ट स्लाइड है, ध्यान से सुनिएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है वह एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। याद करो वो कॉन्ट्रैक्ट के दिन, जहां मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, एब्सोल्यूट, और दूसरा मैंने बताया था वह अनकंडीशनल होना चाहिए। ये मैंने कब बताया था, कॉन्ट्रैक्ट में, डिफरेंस बता रहा हूं जी। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है, जब सेक्शन 3 से 9 पढ़ोगे ना कॉन्ट्रैक्ट का, 3 से लेकर 9 तक, तो वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वह कैसा होना चाहिए, वह आपका एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए। बट यहां पे क्या कह रहा है, आपका सेल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वह एब्सोल्यूट भी हो सकता है और दूसरा कंडीशनल भी हो सकता है। आई होप दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर है। थर्ड पे आइए, वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। तो बिल्कुल अभी सेल को ये डिफाइन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं जी, अब यहां पे आइए, ये हो गया आपका एग्रीमेंट टू सेल। बिल्कुल, एग्रीमेंट टू सेल अब क्या होता है उसको देख लेते हैं। हाँ, एग्रीमेंट टू सेल कह रहा है वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो गुड्स का है वह भविष्य की तारीख पे जन्म लेगा, प्लेस करेगा, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड। या मैं कहता हूं कि भैया मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर इसको मान लोगे तो हम सेल मान लेंगे। तो 2 चीजें एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, पहला क्या है ध्यान से देखिएगा, ये वाला, एट अ फ्यूचर टाइम,
कोई भी चीज़ मैं फ्यूचर डेट पे बेचना चाह रहा हूँ तो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल। या फिर मैं कहता हूँ कुछ कंडीशन है जब पूरी हो जाएंगी तब मैं बेचूंगा, तो यह भी क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। तो ये दो चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर आती है। आई होप सभी को समझ में आ गया है जी। चलिए आज के लिए इतना ही था, एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, जो मेरी स्पेशल जो फ्री होती है, हाँ स्पेशल क्लास का जो टाइमिंग है मेरा, हाँ जी वह बिल्कुल जगराता के नाम से फेमस हो चुका है। तो जगराता आपका क्या होता है, रात के 10:30 बजे से चल रहा था 12 बजे तक। तो आप सभी को मैं बता देता हूं यह जो टाइम है, मे बी ये 10:30 का 11 हो सकता है, तो इसी टाइम पे ही मैं क्या करता हूं, स्पेशल क्लास आपकी लेता हूं। और ये भी याद रख लो, ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कहते हैं सर ये पढ़ा दो, 3 दिन बाद वो मिल जाता है। स्टूडेंट कहते हैं ये पढ़ाओ, वो मिल जाता है। तो ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट स्पेशल क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल अगर हाँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का अगला पार्ट लेके आ रहा हूँ, बी रेडी। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। हाँ सभी के आम और मैंगो देख पा रहा हूँ, बधाई हो आप सभी को, आम का स्वाद लीजिए। चलिए अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। हाँ जाते जाते सभी को एक बार, हाँ जाते जाते सभी को एक बार क्या बोलना है जी, हाँ जी जय हिंद जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।